मैं शुक्रगुजार हूँ फादर फ्रांसिस गुलजार साहब का जो लाहौर आर्च डायसिस के विकर जनरल हैं। मैंने उनसे कुछ ज़ियारत की बात की थी रिपोर्टिंग के बारे में, तो वो कह रहे थे कि फादर जी आप अभी कैथलिक टीवी वाली जो टीम है उनके साथ मिलकर तो इस के बारे में थोड़ा सा तारफ पेश कर दें ज़ियारत कमेटी पर। आप देख रहे हैं कि इस जो ये मार्बल प्लेट लगी हुई है इस पर गोल्डन जुबली का जिक्र लिखा हुआ है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इधर देखें जो इसके बानी है ज़ियारत के वो रेवरेंड फादर फ्रैंक शहीद ओसी, पुराना नाम था ओसी ऑर्डर ऑफ द कैप्टन फ्रायर्स लेकिन आजकल हम कहते हैं ओ एफ एम कैप फ्रांसिस्कन कैप्टन फादर्स, जो बानी है जिन्होंने मतलब कैप्टन फादर्स ने इस गांव को आबाद किया और इस ज़ियारत के बानी भी वो हैं। इनके मुआवनीन हैं जिस तरह इधर लिखा हुआ है, पहले नंबर पे चौधरी बलोच लुईस वल्द वीरू, चौधरी वजीरा जेकब वल्द फतेहद्रीन, चौधरी हाकम वल्द खड़का, चौधरी सुंदर जेकब वल्द मंगू, चौधरी खुर्शीद वल्द गुलाम और चौधरी पलूस वल्द जवाहर। ये थे जिन्होंने फादर फ्रैंक के साथ मिलकर ज़ियारत के आगाज़ में दूसरे शहरों में जिसमें ज़्यादातर साहिवाल फैसलाबाद शेखुपुरा से चंदा मांग मांग के तो इस ज़ियारत को शुरू किया। अभी आप देखते हैं उस दूसरी जो प्लेट है ज़ियारत गाह मुकद्दसा मरियम मरियमबाद आर्च डायसिस ऑफ लाहौर, ये भी 1949 से गोल्डन जुबली के जो ज़ियारत गाह की के लिए खसूसी खिदमात हैं 1949 से 1999 तक फजीलत मुआब आर्च बिशप परमांडो ट्रिनिडाद ऑफ लाहौर के ज़माने में जो इनके सेक्रेटरी साहबान थे जिन्होंने बड़ी आला खिदमत की वो है रेवरेंड फादर यूबर्ट ओ एफ एम कैप, फादर स्टानिसलास ओ एफ एम कैप, रेवरेंड फादर महबूब एवरेस्ट ओ एफ एम कैप, रेवरेंड फादर लैम्बर्ट ओ एफ एम कैप, रेवरेंड फादर इमानुएल यूसुफ मानी, रेवरेंड फादर जोसेफ लुईस, रेवरेंड फादर इमानुएल आसी, रेवरेंड सिस्टर मरियम बर्नाडा, जनाब नेमत मैसी चौधरी हैं जो ट्रैफिक होते थे, जनाब रफाइल महबूब लाहौर जो बिजली वगैरह के काम में मदद करते थे, और जनाब इलियास जीवन सियालकोट जो फादर स्टानिसलास के साथ जो खजानची का की काम था उसमें खिदमत सर अंजाम देते थे। सो ये थी सारी बातें जिनका मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है। सो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि हमें जो तारीखी बातें हैं आर्च बिशप जोसेफ अरशद साहब ने 100 साल जो मरियमबाद की हिस्ट्री है तारीख है उस पर किताब लिखी हुई है और वो बड़ी खूबसूरत जिसमें उन्होंने तफसीलन जो है इस ज़ियारत का इस गांव का जिक्र किया है। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो प्लेट्स लिखी हुई हैं गिरजे की इस बालकनी में हैं शुरू में कि आप इनको भी ज़रूर अपने प्रोग्राम में और अपने इस पैगाम में जो है वो जाहिर करेंगे। मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और ज़ियारत-ए-मुक़द्दसा मरियम 2018 की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देता हूँ और दुआ करता हूँ कि मेहरबान बाप ज़ियारत-ए-मुक़द्दसा मरियम 2018 को अपनी पाक हजूरी के वसीले इसको कामयाब करे, हर तरह के खतरात से महफूज रखे, सबकी दुआओं को कबूल फरमाए और अपने बेटे मसीह यसू के हजूर में पेश करे मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।